तो पिछली वीडियो के अत्याचार के बाद आई कुडंट स्लीप गाइस, रात को नींद नहीं आती थी, दिन में चैन नहीं आता था, इधर से उधर दीवानों की तरह घूमते घूमते बस यही सोचती रहती थी एक ना एक दिन हर्ष से बदला लेना ही पड़ेगा और वो दिन आज होगा। और बस फिर तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि आज रात 12 बजे मैं स्नीक आउट करूंगी घर से और जाऊंगी एक ऑल नाइट आउट पे। तो प्लान के अकॉर्डिंग मैंने 12 बजने का वेट किया और जैसे ही हर्ष अपनी नींदों की गहराइयों में डूबा, मैंने अपने प्लान को अंजाम देने का ठान लिया। यस गाइस, आई एम स्नीकिंग आउट ऑफ माय हाउस एट 12 AM। तो गाइस यही है मेरा प्लान, हर्ष से रिवेंज मैं करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं कर चुकी हूँ स्नीक आउट अपने घर से एट 12 AM। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, बिकॉज पहले कभी लाइफ में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। गाड़ी चलाते हैं पर मुझसे ना गाड़ी ऑन नहीं हो रही। मैंने अभी स्टार्ट करने की कोशिश करी तो मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी मुझे फ़ोन में पढ़ना पड़ेगा मैं क्या गलत कर रही हूँ। हर्ष मुझे चलाने नहीं देता था गाड़ी, मैं क्लच नहीं ऑन कर रही, मतलब क्लच दबा के ऑन करना है। लेट्स गो गाइस। जय माता दी। भाई बहुत टफ है यार ये गाड़ी चलाना, सीरियसली ये पूरा ट्रक लग रही है, मिनी ट्रक यार। ये नए नए शौक नवाबी। ओ डैम बहुत डर लग रहा है यार। ओ भाई कैमरा में अपने आप को देख कैसे डर सा लग रहा है मेरे को। रात को अंधेरे में कैसी आ रही होगी वीडियो पता नहीं। अगर हर्ष उठ गया ना, मेरी सुताई पक्की है आज। वैसे अभी तक वो मुझे सॉरी सॉरी कह रहा था पिछली वीडियो के लिए, अगली बार मैं उसे सॉरी सॉरी कह रही हूँ, सॉरी हर्ष मैं निकल गई घर से बाहर, मुझे माफ कर दे। पर पता तो उसे वैसे भी लग जाएगा इन एनी वे। कोई बात नहीं, मजे तो कर लेंगे तब तक। करेंगे क्या, बस ये नहीं सोचा अभी तक। लेट्स गो। चलो भाई अब मजे करेंगे। भाई काफी गाड़ियां लग रही हैं आगे मेरे को, मजा आ रहा है यार। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। ओके गाइस, बाय द वे ना गाड़ी चलाते चलाते मैंने रियलाइज करा, ऐसे कैमरा में अपने आप को देखे मैंने लिपस्टिक तो लगाई ही नहीं, बट मेरे पास ना डैशबोर्ड में हमेशा बैकअप के लिए लिपस्टिक, क्योंकि कभी भी कहीं भी जाना होता है लिपस्टिक तो मेरे पास होती है और एक परफ्यूम जरूर रखती हूँ। बट कहते हैं परफ्यूम ना रात को लगाना नहीं चाहिए, घोस्ट या फिर ऐसे स्पिरिट्स वगैरह अट्रैक्ट करता है परफ्यूम। पर की फर्क पैंदा है, भूतां नूं मिलांगे असीं। भूत भूत मेरे भाई कहाँ पे हो तुम, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी, क्या तुम मुझे मिलना चाहोगे भूत? वैसे अपने पेड़ पे ही लटके रहना, मुझे मिलने का कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी भूत। चलते चलते ओह ओह भाई डॉग्स, ओह भाई डॉग, ये क्या अजीबोगरीब डॉग्स हैं यार, गाड़ियों के पीछे कर रहे हैं। भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा दो, टेरिटरी होती है ना, इनकी टेरिटरी में आ जाओ तो रोने लग जाते हैं। एनीवे गाइस मैं काफ़ी देर से गाड़ी चला रही हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करा जाए। ऐसा करते हैं चलाते चलाते बस चलाते ही रहते हैं, यही करना है आज पूरी रात, गाड़ी चलाते रहनी है, तेल फूकेंगे। जब हर्ष ये वीडियो देखेगा तो सोचेगा कि प्रेरणा क्या क्या कर सकती है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। पंगे नहीं लेने का, अपुन झुकेगा नहीं। ऐसे साइड पे फ्लाई ओवर है ना, इसे देख के मेरे को हमारे दिल्ली में एक सत्यवती कॉलेज के साइड में फ्लाई ओवर है उसकी कहानी याद आ गई। वो बेसिकली ऐसे माना जाता है कि उस फ्लाई ओवर पे ना जब गाड़ी उसके ऊपर ऐसे लेके जाओ तो एक वाइट साड़ी में चुड़ैल साथ साथ उड़ती थी। एंड दैट स्टोरी एक्चुअली स्पूक्स मी आउट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे गाड़ी के साथ साथ कोई वाइट कलर की साड़ी पहन के चुड़ैल अगर उड़ने लग जाए भाई मैं तो गाड़ी में मेरा तो वहीं ख़त्म हो जाएगा, आई विल बी डेड, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और भूतों को भी ना एक वो होना चाहिए रिस्पेक्ट, पहली बार मिल रहे हो तो ऐसे साथ में उड़ो मत, साथ में उड़ने ही लग जाओगे क्या, व्हाट इज दिस बिहेवियर। हमने क्या मतलब तुमसे कोई फ्लाइंग कोर्स कराना है। पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं एकदम सन सन सन। एक्चुअली ना 12:30 बजे 12:38 टू बी प्रिसाइज इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है, एंड इतने मतलब अंधेरा हो गया बट लोग काफ़ी हैं रोड पे, आई थिंक इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं सब कुछ है। बट 2:00 बजे आई कांट इवन इमेजिन कि क्या होने वाला है ये रात, मुझे या तो आज डरा डरा के मारेगी या जगा जगा के मारेगी, किसी तरह तो मारेगी। बहुत डर लग रहा है मुझे। काफ़ी देर हो गई है सड़क पे ऐसे ही इधर उधर गेड़ियाँ मारते हुए, काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है टू बी ऑनेस्ट। एक तो ये भाई लोगों को क्या इतनी जल्दी किस बात की है भाई, आराम से चले जाना, सब हॉर्न पे हॉर्न मार रहे हैं, सब हॉर्न पे हॉर्न मार, जा यार जा साइड से जा तू मेरे, इतना जल्दी है ना इनको घर पहुँचने की, क्या करोगे देखो मैं कितनी वेली हूँ, जा तू जा भाई तू जा। हाँ तो मैं कहाँ थी,
तो मैं वहाँ थी कि आई एम रियली हंग्री और काफ़ी देर से इधर उधर हांड रही हूँ. कोई शॉप भी ओपन नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई ग्रॉसरी स्टोर. बहुत तेज़ भूख लग रही है. एक बार को तो मन कर रहा है कि घर ही जाके दोबारा खाना पैक करके ले आऊँ, बट कहीं इस चक्कर में मेरा ये सारा जो ये प्लान है ये सारा रुइन ना हो जाए. एक काम करती हूँ, 24/7 चलते हैं, वहाँ तो पक्का कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा. और फाइनली पहुंच गए हैं हम 24/7. चलो भाई खाने का जुगाड़ तो करके आते हैं एटलीस्ट. फाइनली मैंने अपने लिए ले लिया यहाँ पे ये जूस की बॉटल, चना सैलेड. जो ऑप्शन बहुत थे तो मैंने वड़ा पाव भी ले लिया. बहुत सारा खाना खाने वाली हूँ. यहाँ से निकल रही हूँ क्योंकि एक अंकल मुझे काफ़ी देर से घूर रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, अपनी सैर कर रहे हैं, फिर गाड़ी में देखते हैं, फिर चलते हैं, फिर गाड़ी में देखते हैं. हाँ अंकल, मैंने क्या कर दिया, क्या हुआ, देखने लग गए. यस सर, कैसे हैं? बढ़िया, आप कैसे हैं? थैंक यू. ओ भाई, एकदम से पुलिस वाले सर ने रोका, मेरी जान निकल गई. वैसे वो ना मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ ऐसे पता करना चाह रहे थे कि आई एम ओके, आई एम ऑल राइट. अरे यार, ऐसे पुलिस के इतने सारे नाके होंगे, मैं किस किस को हाय हेलो करती हुई फिरूंगी यार. ओ गाइस, जेन्युइनली यार बोर हो गई यार. मैं सीरियसली इतनी बोरिंग होती है दिल्ली रात को, कहीं जाने को नहीं बचा. इससे अच्छा तो मैं वड़ा पाव ही खा लेती हूँ, यमी यमी वड़ा पाव. इसको ना गो इन माय टमी नाउ. इतनी गाड़ी चलाई. 127 राइट नाउ. क्या करूं यार, एक बंदा है जो मेरी हेल्प कर सकता है, एक बंदा जो रात का शहंशाह है, रात का पाशिंदा है, मेरी तरह जो रात को जागता है, एक ही बंदा है वो शहंशाह, अभिषेक. फोन उठा. अरे भाई, तू जागा हुआ है? सो गया मैं. अबे नहीं, सोया नहीं है, नीचे आ यार, मैं नीचे वेट कर रही हूँ तेरा. One eternity later. हेलो, क्या बोला दोस्त उसको, क्या चल रहा है? तो सोता होता नहीं है क्या रात को? एकदम भूत आदमी है, सोता ही नहीं है, रात भर जागता है, खाता है, पीता है, फिर सो जाता है. क्या हो गया, कई बार हो जाता है. क्या कर रही है अभी वैसे हरकत है? हर्ष से रिवेंज ले रही हूँ. क्या रिवेंज? पिछली वीडियो में उसने मुझे बहुत परेशान किया था, तो अभी जब वो सुबह उठेगा तो उसे पता लगेगा मैं घर पे ही नहीं हूँ, मैंने छोड़ दिया उसका घर. वाओ, मुझे क्या मतलब, मुझे सिर्फ बड़ा पाव से मतलब है. शाबाश बेटा. क्या प्लान है फिर? पार्टी फुल नाइट. अबे पार्टी होती कहाँ है, दिल्ली तो बोरिंग हो गया. मैं पिछले 2 घंटे से इधर उधर हांड रही हूँ, कुछ मिल नहीं रहा करने को. रात को सिर्फ भूत लोग जागते हैं. डाइटिंग पे तू मत खा. 24/7 खुला होता है. मैं डाइटिंग पे था. यार तेरे को मैंने क्यों बुला लिया, मैंने सोचा था तू मेरा एंटरटेनमेंट करेगा, तू तो मुझे परेशान कर रहा. चल ऐसा करते हैं, हॉन्टेड पार्क एक्सप्लोर करते हैं. मैं तेरे को आज हॉन्टेड पार्क लेके चलती हूँ. हॉन्टेड घर से तेरा जी घबरा रहा है, अब तेरे को हॉन्टेड पार्क जाना है? हाँ, क्योंकि हॉन्टेड पार्क में थोड़ा बड़ा, तो जो कोई कंटेंट के नाम पे तू कहते है मेरे को भूत दिखा दो. हाँ तो मुझे दिखता नहीं ना, और सच में दिख गया तो तेरे को आगे कर दूंगी ना. तू तो घर जा, ले जाओ, तू तो घर जा के चूके साथ सो जाएगी. मेरा के चलने को ले जाओ. क्या हुआ, जो ऐसे बड़ा दिल लगा के भूत ढूंढते है ना, उनको सच में एक बार ना एक बार तो दिखता ही दिखता. याद है हम एक बार पहले भी गए थे भूत ढूंढने, तब भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था. तो ऐसा लग रहा है जैसे पीछे कोई बैठा हुआ है. अबे यार तू और डरा ले, सच में मेरे को ऐसा अभी हम हॉन्टेड पार्क पहुंचे नहीं, ऐसा लगा कोई है तेरी पिछली सीट पे. और आजकल मैंने जैसे आहट वाहट भी मैं देखता था ना, उसमें वैसे ना पुरानी जो कोई भी जैसे जो गाड़ी चला रहा होता ना, सिर्फ उसको दिखता है. मतलब जो साइड में बैठा तो उसको नहीं दिखता. तो मैं तो ठीक हूँ, ठीक है, तो मैं बच जाऊंगा. पर तेरे साथ पता बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि एकदम से तूने यहाँ पर देखा साइड में, तेरे को भूत दिखेगा और तू पीछे मुड़ के देखे तो कोई नहीं दिखेगा. 2:08 हुए हैं, 3:00 ही हम लोग उस पार्क के अंदर होंगे. मैं तो नहीं जा रहा गाड़ी में, ठीक. देख तेरे को जाना तो पड़ेगा. मैं तो खुद ही पकड़ एक्चुअली इस वाली लाइन में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है. आई एम आउट. देख अभी भी सोच ले, मेरी तो ना है. ठीक है, ओके. अच्छा साहब, तू देख रहा है वो लाइट्स ऐसे लुक छुप हो रही है. अच्छा साहब मैं चलता हूँ. बहन को अकेले छोड़ देगा क्या? आपको मैं सीरियसली एक बात बता रही हूँ, सच में पार्क में लाइट्स ऐसे लुक छुप हो रही है. कौन से जन्म में मैं इसका भाई बना, प्लीज. और आई वांट टू रीचेंज. और मैं म्यूजिक बैठ रहा हूँ. हे राम. और काली बिल्ली, काला कुत्ता, सब दिख चुका है. अभी मुझे डर तो लग रहा है. वैसे माता, मैं कह रही हूँ मुझे थोड़ा डर लग रहा है. पिता है तू ही तो है राधा का श्याम. अबू भाई वो झूले देख रहे हैं? नहीं नहीं, झूले तो नहीं हिल रहे. हिल रहे खा यार, ये देख
ये देखो गाइस वो लाइट्स अपने आप लुक झुक क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। अबे डरे हैं जिम करे हैं। अच्छा ये डूड बन के जा रहा है। साथ चलता हूं। अरे तू मेरे को तो लगा सिर पे हेलमेट पहन के मैंने देखा है, तू तो हेडफोन्स लगा के आया। मैं म्यूजिक सुनूंगा। मैं तेरे को एक डेयर दे सकती हूँ इस टाइम पे। वो जो वो स्विंग है ना, उस स्विंग के ऊपर ऐसे स्विंग कर क्या, और फिर वो लाइट्स क्यों लुकझुक हो रही है वहाँ पे, बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा। भाई ये देख नीचे शैतानों के पैर, मजाक करो इंसानों के। ये तो मुझे डॉगी के पैर लग रहे हैं छोटे छोटे। इतना बड़ा पैर है मेरे जितना। मैं देखो ये कहाँ, वो देखो देखो देख लुकझुक हो रही है, वहीं चलते हैं जहाँ पे लुकझुक हो रही है। देख मैं तेरे को एक बहुत ही प्यारा सा डेयर दूंगा। क्या डेयर? देख वो जो पेड़ दिख रहा है वो वाला, उस पेड़ पे जा और 15 तक गिन। क्या मुझे तेरा डेयर बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप थू मेरे को करने का ही नहीं है, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। मैं तेरे साथ ही रहूंगी। बड़ा वो था ना, मैं छोड़ के जाऊंगी। जा मैं नहीं, मेरे को अकेले नहीं जाना। अबे वो लाइट्स क्यों लुकझुक हो रही है यार, वो तो हेल इज हैपनिंग। तेरे को पता है एक बार ऐसे ही एक पार्क में वो हमारी बुआ के बेटे के साथ हुआ था ना, वो मेरे को नोनू की कहानी याद आ रही है। नोनू की कहानी याद है, उसने सुनाई थी कहानी कि ऐसे एक पार्क के अंदर ना वो लोग ऐसे बैठते हैं। भाई भाई मत बात करते, लेट्स चेंज द टॉपिक। फिर पता है जैसे पाथवे बना होता ना, जहाँ पे पाथवे बना होता ना जहाँ पे बंदे वॉक करते हैं, वहाँ उनकी एक नेबर आई और वो हंसने लग गई और फिर रोने लग गई। भाई वो कुत्ता उठ के आ रहा है और फिर एकदम से उन्होंने जैसे खड़े हुए और पीछे मुड़ के देखा। मेरे को डर लग रहा है, चलते हैं वापस। ऐसा कर तू उस वाली हट में रुक के आइयो 15 मिनट। सच में क्या? हाँ जा। डर लग रहा है मुझे। ठीक है। तो अकेला क्या करेगा, अलग नहीं होते भाई, हिंदी मूवीज में दिखाते हैं ऐसे ही कुछ होता है। गए सच में बहुत ज्यादा अंधेरा है और ये पार्क मुझे बहुत अजीब और शेडी लग रहा है, पर मेरे भाई ने मुझे डेयर दिया है और ये खुद कहाँ जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। भयानक होता जा रहा है मंजर, मैं जा रही हूँ यहाँ से, 15 गिनने गए भाड़ में। आवाज़ें भी आ रही हैं। अबे वहाँ आवाज़ें आ रही हैं। अब ऐसा मुझे लगता है हाँ, मेरा भूत का फियर ओवरकम हो गया है, डर नहीं लगता अब मेरे को भूत। पर अब ऐसे कोई बोल देना अकेले रहना तो नहीं मुझे। तो फिर अब क्या करें? अब घर चलते हैं, तेरा समय हो रहा है। अबे पागल है क्या, अब कहीं और चलते हैं, 3 बज गए। अरे ये पागल पागल है, मेरे को घर छोड़ दे भाई। यार ये तो अब घर जाने की बात करें, मैं अकेले क्या करूंगी यार। इंसान की बच्ची बन और घर चले जा वापसी। मैं नहीं जा रही घर, वर मैं तेरे को घर छोड़ के निकलती हूँ। अबे क्या ये पागल पागल, अबे मैं जीजू को कॉल कर रहा। तू पागलपंती मत कर, मैं जीजू को कॉल कर रहा। ड्रामे मत कर। नहीं भाई तू ये पागल पागल हो गए। अगर तूने कॉल कर दिया ना फिर मैं तेरे को बताऊंगी। ओ भाई सामने देख कुत्तों की फौज। ओहो काटो इसे, काटो काटो, अभी आ जाएंगे। इतनी तेज की भौंकते हुए तू भी याद रखेगा। चलो चलो अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा घर, बहुत हो गया 1.5 घंटे से घूम रहे। तेरा दिमाग खराब है क्या? अभी कहीं नहीं जा रही मैं। ना ना भाई घर चल, किसी और हॉन्टेड साइड पे चल, घर चल प्लीज यार। अबे पागल तेरा तो दिमाग ही खाली है भाई। अरे उबे और तेरे को बहन की कोई परवाह नहीं है क्या? नहीं 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 है। प्लीज ना भाई चल लेना। ना ना ना। अरे एक और हॉन्टेड साइड पे फिर पक्का मैं तेरे को घर छोड़ दूंगी, तू चला जाएगा, मैं गाड़ी में सो जाऊं। ना 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 यार चल लेना यार। ना जी ना। जीजू यार आप कहां हो? एक सेकंड चुप कर जीजू। It was at this moment that he knew he fucked up. एक स्कूटी आ गई अब्बू। वाह प्रेरणा वाह यार वाह, क्या हो रहा है प्रेरणा? पार्टी हो रही है। वाह बताया भी नहीं तूने और ऐसी निकल गई है। तो क्या कर रही है यार यहाँ पे? यार कौन से जन्मों का बदला ले रही है यार मुझसे? तू क्या कर रही है अब्बू? कहाँ से पकड़ा इसने तेरे को? क्या हो रहा है यार ये? क्या कर रही है तू यार? बंद कर चल घर पे, क्या कर रही है? चल बंद कर।